तो फ्रेंड्स, कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTET का प्राथमिक स्तर का जो रिजल्ट है उसे रिवाइज भी किया गया और फाइनली उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस समय वेबसाइट पे जाके क्लिक हियर फॉर UPTET 2018 प्राइमरी रिजल्ट रिवाइज, जिसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अगला पेज ओपन होगा उसमें अपना रोल नंबर आपको डालना होगा और ये कैप्चा जो यहाँ पर दिया गया है इस कैप्चा को डालेंगे और प्रोसीड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपके कितने अंक बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंक बढ़े हैं तो डेफिनेटली आप बताइएगा, नहीं बढ़े हैं तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके अंक बढ़ गए हैं और वो पहले से ही ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो क्या उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स, नहीं करना है, यानी कि अगर आपका रिजल्ट संशोधित हुआ है यानी कि कुछ अंक आपके बढ़े हैं और आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सचिव के बिहार पर एक न्यूज़ आई है कि सिर्फ संशोधन वाले न करें आवेदन। तो सचिव ने बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में शामिल हुए थे और सफल होकर ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, संशोधित रिजल्ट में यदि उनके अंकों में संशोधन हुआ है तो उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पहले हुआ आवेदन मान्य होगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन्हें अगर उनके अंक बढ़ भी रहे तब भी उन्हें दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। हाँ, जो लोग नए पास हुए हैं तो उनको आवेदन यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स, एक बात और भी है कि 22 तारीख यानी कि कल तक शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, 23 तारीख तक आप फीस जमा कर पाएंगे और 24 तक फाइनल प्रिंट लेना है, तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि समय अभी कम है और आगे हो सकता है कि डेट बढ़े ना बढ़े। तो अनिश्चितता के इस दौर में जो चीज़ें हमारे सामने रहती हैं उन्हीं के आधार पर हमें निर्णय ले लेना चाहिए क्योंकि भविष्य को कौन जानता है। तो फ्रेंड, बताइएगा अगर आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, जैसा भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।